अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम चमचम बना रहे। हमने 1 लीटर दूध को उबाल के लिए हैं। ये देखो, अब भी गैस से उतारे हैं, मलाई भी वैसी है। ये देखो, अभी ये दूध लिए 1 लीटर पका के लिए हैं। एक प्याली भर शक्कर, मतलब ये 200 ग्राम शक्कर है, ये हम शक्कर डालेंगे। एक प्याली हमने दूध की पाउडर लिए हैं और ये आधा नींबू लिए हैं, पानी लगेगा बताएंगे। और ये जाफरान लेंगे, इसमें से जाफरान के धागे लेंगे। अभी हम बनाने का बता रहे। देखो, एक नींबू का जूस हमने लिए, आधा दिखाए लेकिन आधा और लिए, क्योंकि जूस 1 लीटर दूध है ना, तो जूस एक नींबू का लगेगा, बड़े नींबू का। अभी हमने इसमें पानी डाले नींबू के रस में। अभी इसके अंदर डाल के दूध को फाड़ेंगे, का छेना बनाएंगे। तैयार हो गया। अभी इसको छानेंगे। एक कपड़ा लेंगे पतला कॉटन का, इसके ऊपर ढकेंगे, उसके अंदर वो दूध फटा हुआ डाल देंगे, उसका छेना बनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप विनीगर भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, इससे भी फटता है दूध। अभी देखो, इसके ऊपर ये पानी डालेंगे। अब ये पानी डाल रहे इसके लिए कि उसका खट्टापन जाने के लिए, नींबू डाले ना तो खट्टापन जाने के लिए पानी डालेंगे। को टाइट बांधेंगे और इसके ऊपर अच्छे से वजन रखेंगे तो पानी पूरा निचोड़ के आएगा। ये देखो, एकदम टाइट बांधेंगे। एक प्लेट लेंगे, ये पोटली बांधे ना, ये देखो, ये पोटली रखेंगे उसके ऊपर। अभी इसके ऊपर एक वजन रखेंगे, रखे ना। अभी आधा घंटा इसको ऐसा ही रखेंगे तो पानी पूरा निचल जाएगा। फ्राई पैन लिए, ये दूध की पाउडर डालेंगे, इसमें केसर डालेंगे, अभी ये दूध डालेंगे। 1/4 कप हमने दूध लिए, जितना छेना बनेगा वो हिसाब से दूध की पाउडर लेने की। आधी लिए हमने, 200 ग्राम पाउडर में से 100 ग्राम लिए। 1/4 कप दूध डाले, वापस 1/4 कप दूध डाले, केसर डालेंगे, डाले और अभी थोड़ा सा कलर डालेंगे। हम बता के जो भी है आपको बताते हैं, कुछ छुपाने का नहीं रहता है, क्योंकि आप बनाएंगे तो खराब नहीं होना चाहिए, रेसिपी बनना चाहिए। कलर क्या कोई ये नहीं है, वो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए डालते। अब ये घी डालेंगे 1 टेबल स्पून। पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे और बारीक गैस पे पकाएंगे। ऐसा अच्छे से मिलाने का कि उसके अंदर गुठली होना नहीं चाहिए। बारीक गैस पे ये दूध सूखने तक पकाएंगे, पूरा सूखना मांगता, मावा बनना मांगता। फर्स्ट क्लास, एकदम सूखा हो गया। देखे, अभी हम इसको निकाल के ठंडा करेंगे। अभी ये वजन निकाल रहे, पानी पूरा अच्छे से निचल गया है, देखो, बल्कि पनीर भी बन गया। देखो, ऐसा आपको बनाना है तो पनीर भी ऐसा बना सकते। देखो, एकदम फर्स्ट क्लास, इसके टुकड़े भी निकलेंगे, ऐसा पनीर बनाने का। ये देखो, इसको काट के बता रहे आपको, ऐसा पनीर बनाओ। देखो, मेरी 2 रेसिपी एक साथ हो रही है। देखो,
आपको अगर चेना नहीं बनाना है, पनीर लाके पनीर का बना सकते हैं आप। ये देखो कितने अच्छे से टुकड़े बन गए, देखो देखो कैसा टुकड़ा बना, एकदम फर्स्ट क्लास, देखे एकदम टाइट टाइट ऐसा बनाने का पनीर। वो अच्छे से मसलेंगे, इसको हथेली के मदद से अच्छे से मसलेंगे। ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, आटे के जैसा दिखना चाहिए हथेली की मदद से। हथेली से हमने इतना उसको गुने, 15 मिनट हमने गुने इसको। अभी देखो पूरा हथेली से गुने, अभी आटे की तरह हो गया, एकदम एकदम मुलायम होना चाहिए, ऐसा गोला ऐसा होना चाहिए बराबर से, अंदर दाना बिल्कुल होना नहीं चाहिए, ऐसा दाना नहीं है अभी इसमें बिल्कुल जरा भी। अभी इसका बनाएंगे, देखो चमचम हाथ में घी छूटना लगेगा ना जब तक उसको गुनने का। देखो दोनों हाथ कैसे घी से भर गए, देखो अभी इसको बनाएंगे। ये देखिए ऐसा हाथ में से लेंगे एक गोला, और देखो जितना साइज आपको छोटा चाहिए बड़ा चाहिए वो हिसाब से लेने का, और जो चाहिए अपने डिजाइन वैसा निकाल के बताने का। ये देखो हमने ऐसा लंबा बना रहे उसको, देखिए ऐसा बनाने का, ऐसा सब बनाएंगे फिर आपको बताएंगे। शक्कर डालेंगे, को एक प्याली हमने शक्कर डाल दिए, अभी दो प्याली इसमें पानी डालेंगे और पकाएंगे अच्छे से उसको। थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे तेज भरने के लिए। गया अभी देखो ये हमने 8 चमचम बनाए, 1 लीटर में 8 चमचम बन गए। देखो अभी पानी उबल गया, उसके अंदर डाल रहे और अच्छे से उसको पकाएंगे। अभी इसके ऊपर ढककर रखेंगे और 10 मिनट तक इसको पकाएंगे, बिल्कुल हाथ लगाएंगे नहीं, हाथ लगाएंगे तो टूट जाएगा। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, फास्ट फ्लेम पर कुक हो रहा है। ये देखिए साइज से अच्छे से डबल हो चुके हैं। अब इसको हल्के से टर्न करेंगे और 5 मिनट और कुक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस का फ्लेम जो है बंद कर देंगे, टेम्परेचर पर आने के लिए रख देंगे साइड में। ठंडा हो गया, अभी हमने ये भी बना दिए, देखो मामा भी बना दिए अच्छे से। अब ये चमचम निकालेंगे एक एक करके पानी में से, शक्कर की शक्करीन बनाए हमने तो वो उसमें निकाल देंगे, और ये देखो ऐसा काटेंगे, बीच में से काटेंगे। देखो बीच में से काटे, उसके अंदर ये मामा भरेंगे। आपको अगर ऐसा नहीं बनाना है तो मावा बाजार से लाके उसके अंदर शक्कर की पाउडर मिला के, इलायची की पाउडर मिला के उसके अंदर भर सकते हैं, और ऐसा नहीं बनाना है तो पनीर भी लाके उसका भी बन सकता है। देखिए ऐसा बनाने का एकदम फर्स्ट क्लास इजी तरीके से बता रहे हैं हम, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देखो, लाइक करो, शेयर करो, अपने रिश्तेदारों में भेजो, महक किचन को आगे बढ़ाओ प्लीज, मेहरबानी करो। देखे ऐसा बनाने का, अभी इसके ऊपर केसर डालेंगे। देखे कितना अच्छा बना, देखो दिवाली आ रही है इसके लिए देखो हमने बनाए हैं, हाँ इसको चमचम मिठाई बोलते हैं, ऐसा बनाओ। मैं नॉन मुस्लिम भी देखते हैं ना मेरे को, तो वो मेरे को फ़ोन करते कमेंट करते, तो उसके लिए भी बताई हूँ और अपने लोग के लिए भी बताई। तो ऐसा बनाओ और महक किचन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये देखिए काटे बीच में, अभी इसके अंदर ही मावा डालेंगे। ये अगर अपन बाज़ार में लेने जाएंगे तो कितनी महंगी मिठाई मिलती है, ऐसा घर में बना के खाओ, घर में बनाओ
देखो पूरे परिवार को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, परिवार भी खुश हो जाएगा। देखे ऐसा इजी तरीके से बता रहे हैं, ऐसा बनाओ। अभी काजू बादाम लगाएंगे, उसके ऊपर केसर डालेंगे। अभी केसर अभी पूरा बनाएंगे, फिर बताएंगे आपको। देखो चमचम मिठाई हमने बनाए, एकदम इजी तरीके से बनाए हैं। ऐसा बनाओ, तुम भी बनाओ, फोटो भेजो, कमेंट में कैसा लगा भेजो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, महक किचन को आगे बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो प्लीज। अल्लाह हाफिज।